अंडे देने की क्षमता अगर हम विकिपीडिया के अनुसार देखें गूगल पे तो 365 दिन में 364 अंडे देने का रिकॉर्ड है। सर देखो चिक्स खरीदने का आजकल क्या कर रहे हैं लोग, ब्लैक रोक को ब्लैक एस्ट्रोलोप कह के बेच रहे हैं। अच्छा, पहले तो इस धोखाधड़ी से किसान भाई बचे। नमस्कार रवि फार्मिंग के सारे सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है मोहित मुंजाल, मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो मुंजाल जी, जैसे कि हम पीछे देख रहे हैं ये ब्लैक कलर के वर्ड हैं जी, तो ये कोई अलग नस्ल है या आम नस्ल है ये? सर ये ब्लैक एस्ट्रोलोप बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है। अच्छा, इसके अंदर जो इसकी खासियत है वो ये है कि इसकी ये जो लेइंग कैपेसिटी है ये और मुर्गियों से हाई है। अच्छा जी, और अगर हम बात करें कि जो इसकी अंडे देने की क्षमता है वो क्या है? सर इसकी अंडे देने की क्षमता अगर हम विकिपीडिया के अनुसार देखें गूगल पे तो 365 दिन में 364 अंडे देने का रिकॉर्ड है। वैसे हम फार्मर भाइयों को यही कहेंगे वो 300 प्लस ही अंडा ले सकते हैं, इसे और ऊपर नहीं ले सकते। हाँ, क्योंकि केयर या मतलब कहीं ना कहीं कि जहाँ की ब्रीड है वहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का एनवायरनमेंट या यहाँ की देखभाल में कुछ कमी रह जाना, ये सब चीज देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अब अगर हम बात करें कि ये इसका जो बच्चा है वो बच्चा कितने पैसे का मिलता है? सर देखो बच्चे का इसके चिक्स का रोज का रेट है, जैसे कि मार्केट का, मंडी का, फीड का, हर चीज का रोज का रेट है, चूजे का भी रोज का रेट है। जी जी सर। तो अब अगर बात करें तो एक आम लमसम ऊपर नीचे? सर इसका जो बच्चा है 34 रुपये 35 रुपये इसी अराउंड में चल रहा है इस टाइम अभी। जी जी जी। अब अगर हम बात करें कि एक हमने जैसे वन डे का चूजा लिया जी, और वन डे का चूजा लेने के बाद में हमने उसे खिलाया पिलाया तो वो अंडे देने लायक कितने दिन में हो जाता है? सर इसकी लेइंग का जो सिस्टम है इसका 4 महीने में लेइंग पे आ जाती है लगभग बर्ड, बट जो पीक पकड़ती है वो 5 महीने ले जाती है। अगर हम बात करें जैसे बहुत सारी नस्लें हैं जी मुर्गियों की जी, भाई RIR है जी सर जी, सोनाली, पता नहीं कौन कौन सी जी, बहुत जी, सारी मुर्गियां का नाम लेते हैं, वाइट स्टॉलॉक और वो बहुत सारे हैं। तो अगर हम देखें प्रॉफिट के नज़रिए से तो हमें कौन सी नस्ल पालने में सबसे अच्छा प्रॉफिट होगा? सर देखिए किसी भी किसान भाई को अगर लेइंग के लिए काम करना है, अंडों के लिए काम करना है, तो ब्लैक एस्ट्रोलोप सबसे बढ़िया इसके लिए ब्रीड है, सबसे बढ़िया इसका चयन है। और इसकी सबसे बढ़िया खासियत यह है कि ये सर्दी गर्मी को महसूस करती, मतलब आराम से रह सकती है। हाँ, मतलब एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाती है, हो जाती है। जी। अब बात ये आती है कि जैसे कि हमने वन डे का बच्चा लिया और आपने कहा कि 4 महीने में ये अंडों पे आ जाती है जी, जी, जी। तो उस बीच में जो ये दाना खाएगा जो खर्चा होगा एक बच्चे के ऊपर वो कितना होता है? सर लमसम आपको 5 महीने में जो मुर्गी जब प्रॉपर लाइंग पे आ जाएगी तो लगभग आपको 500 रुपीज़ की मुर्गी पड़ जाती है ये। अच्छा। जिसके अंदर आपका फार्म, लेबर, चूजा, फीड, मेडिसिन, वैक्सीन सब बीच में आ जाता है, सारा खर्चा इसी में, सारा खर्चा आ जाता है इसमें। तो मुंजाल साहब, अगर कोई किसान भाई या छोटी पूंजी वाला आदमी अगर कोई इस काम को करना चाहे तो वो कितने पैसे से शुरू कर सकता है? सर देखिए ये जो बात है, किसान भाई अपनी जेब की जितनी उसकी पॉकेट अलाउ करती है उसी हिसाब से, जितनी उसके पास जगह है उसी हिसाब से लोग करती है। बट मैं उनके लिए किसान भाइयों को एक ही बात कहना चाहूँगा, किसी भी किसान भाई ने काम करना है वो कम से कम 200 बर्ड से करे, क्योंकि किसान भाई के पास सिर्फ और सिर्फ दिन में 24 घंटे हैं टाइम, उसने 500 पे भी उतना ही देना है, 5000 पे भी उतना ही देना है। तो मैं यही कहूँगा कम से कम 200 से शुरू करें। हाँ, बात यह आती है कि आगे मार्केट में भी अगर माल दोगे तो कंटिन्यू आपको देना है। बिल्कुल। अगर थोड़े बर्ड होंगे, एक दिन दे दिया अगले दिन नहीं दिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर हम बात करें इसके अंडों की मांग की तो वो कैसी है? सर देखो अंडे की इसकी जो डिमांड है, अगर आप लगभग आप नियर अबाउट आके चलो 200 बर्ड पालते हैं जी, तो 200 बर्ड में आपका 50% तो मेल निकल जाता है। अच्छा अच्छा। 50% में से आपका 50% जो मुर्गी रहेगी सो मुर्गी, वो 80-85% उसका अंडा आएगा जी। अगर आप 200 बर्ड पाल रहे हैं तो 2-3 ट्रे आराम से अपने नियर अबाउट ही निकल जाती है। हाँ, मतलब जो है इतनी ज्यादा वहीं से फार्म से ही निकल जाती है, निकल जाएगी। बाकी अंडे की रेट की बात करें, प्राइस की बात करें, तो अंडे का प्राइस देखो जो भी हमारे जो गांवों के हम गांव में देखते हैं वहां पे 25-30 रुपए का देसी अंडा आम बिक रहा है। जी जी बिल्कुल। अगर हम इसके होलसेल के अंडे की बात करें तो 9-10-11 रुपए ये अंडे का रोज का रेट रहता है। हाँ, मतलब ये आगे पीछे चेंज होता रहता है, डेली का प्राइस है। अब बात आती है कि आपने कहा कि 50% मेल निकल जाते हैं जी, अगर हम उसके चिकन मेल के जो चिकन के हम पर्पज से बेचेंगे तो उसका रेट हमें क्या मिलता है? सर आपको लगभग अगर मान लीजिए एक डबल एफजी ब्रीड का नाम सुना होगा, डबल एफजी ब्रीड आती है। बिल्कुल बिल्कुल। डबल एफजी ब्रीड का अभी जो रेट चल रहा है वो 100, 105, 110 रुपए चल रहा है।
तो इसका जो ब्लैक एस्ट्रोलॉप है इसका लगभग 200 रुपए केजी के नियर अबाउट रेट चल रहा है, अभी प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर होलसेल में। काले मुर्गे की तो बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ही अच्छा है ये। तो मुंजाल साहब, जैसे आपने बताया कि 200 चिक्स से काम शुरू करें, तो उसके लिए स्पेस की कितने की जरूरत होगी, और दूसरा क्या है कि वो स्ट्रक्चर किस तरीके का बनाए? सर देखो, कोई भी किसान फार्मर भाई हमारा नवा काम करना चाहता है तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि कोई भी किसान फार्मर भाई अपने स्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट ना करे। जो वो पूंजी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपनी फीड पे, दवाई पे या चिक्स पे इन्वेस्ट करे, ताकि उसको लगा कर कुछ मुनाफा मिले, बायबैक मिले उसे कुछ। जी जी जी। तो स्ट्रक्चर वो किस किस टाइप के बनाए? स्ट्रक्चर देखो सर, मैं तो यही कहूँगा कि किसी भाई की, किसी किसान भाई के पास पशुओं का बाड़ा हो उसमें यूज कर ले, या कोई बांस वगैरह का टेम्परेरी कुछ बना के इस तरीके से इस्तेमाल कर ले। तो मतलब ज़्यादा पैसा लगाने की बजाय स्ट्रक्चर बनते हैं तीन तरीके से। जी। जैसे एक तो आजकल हमारे, हम देखते हैं यूपी साइड में जाते हैं तो बांस का स्ट्रक्चर बनता है, अभी बांस से खड़ा कर देते हैं और उसमें काम चल जाता है, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया, आसान, टिकाऊ और ठंडा रहता है। जी। और उसके बाद आता है एंगल खड़े कर लिए, उसके बाद आपके ऊपर लोहे की चादर होगी, चादर लगा दी, सीमेंट की चादर होगी कुछ आपकी, बिल्कुल। और उसके बाद ये पक्का जो तरीका आप देख रहे हैं, ये पक्का जैसे ये गाटर और सिल्ली डाल के। जी 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 जी। उसके बाद चौथा आता है लेंटर वगैरह पाके। तो किसान फार्मर्स भाई को यही कहना चाहूंगा कि किसी भी भाई ने इन्वेस्ट करना है तो अपने चिक्स में, मेडिसिन में या फीड में इन्वेस्ट करे, ना कि स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करे। जी। अब बात आती है कि फीड का जो रोटेशन है वो छोटे बच्चे से लेके बड़े होने तक किस तरीके से होता है? कमर्शियल के लिए तो चलता है 1 से लेके 35 दिन तक जो चलती है वो चलती है चिक्रम, 35 दिन से 120 दिन तक चलती है आपकी ग्रोवर, 120 दिन से 135 दिन तक चलती है प्रीलेयर, 135 दिन के बाद चलती है आपकी लेयर फेस वन। जब आपका अंडा 60 ग्राम का हो जाता है फिर फेस टू, उसके बाद आपका 65 ग्राम का होते ही फेस थ्री। अच्छा, ये फीड का इसका सिस्टम रहता है कमर्शियल फार्मिंग के लिए। कमर्शियल फार्मिंग के लिए। अब बात आती है जैसे कि मान लिया कुछ किसान भाई अपने पास का अनाज या कुछ इस तरीके से खिला देते हैं या रख लेते हैं, क्या वो भी चल सकता है इसके लिए? सर देखो, अगर कोई फार्मर भाई इन अनाज का चलता है, जब आपका बर्ड है ग्रोइंग स्टेज पे आता है तब वो चीज चल सकती है आपकी। अच्छा अच्छा। मतलब ग्रोवर जो आपका 35 दिन से 120 दिन तक आप ग्रोवर फीड ला रहे हो उसकी जगह पे आप अपना अनाज दे सकते हैं। जी जी सर। और बाकी जो है जिस तरीके से आपने बताया वो उसी तरीके से चलेगा। कई बार क्या देखा है, बहुत सारी नस्लें हैं के कड़कनाथ वगैरह के, जैसे चारा वगैरह, घास वगैरह, बरसिंग वगैरह, पालक, मूली के पत्ते या घर की वेस्टेज वगैरह, क्या ये वो भी खा लेते हैं? सारे जितनी भी देसी ब्रीड हैं सब कुछ खाती हैं। आपकी किचन की वेस्टेज होगी, आपकी कुछ रोटी बचती है, किचन का कुछ भी बचता है रात का, वो खिला सकते हो। बरसिंग होगी, पालक होगी, मेथी होगी, कुछ भी आप दे सकते हो इनको। हाँ, मंडी का वेस्टेज वगैरह जो भी है सब दे सकते हो। सब दे सकते हैं सर जी। तो मुंजाल साहब, अगर कोई किसान भाई ये वीडियो देखने के बाद अगर चाहे कि वो भी ब्लैक स्टॉलॉग जी सर जी का काम करना चाहे या उससे जो है अपनी आमदनी बढ़ाना चाहे, तो वो किस तरीके से करे और वो चिक्स वगैरह खरीदने का प्रोसीजर क्या है उसके लिए? सर देखो, चिक्स खरीदने का आजकल क्या कर रहे हैं लोग, ब्लैक रोग को ब्लैक स्टॉलॉग कह के बेच रहे हैं। अच्छा। पहले तो इस धोखाधड़ी से किसान भाई बचे। नंबर दो, किसी भी किसान भाई, फार्मर भाई को हमारा ब्लैक एस्ट्रोलॉप का चिक्स चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है, और भेजने के लिए हम पूरे भारत में इसको सप्लाई करते हैं, बट जो क्वांटिटी रहती है वो मिनिमम 1000 चिक्स की रहती है। जी। अगर किसी फार्मर भाई को, छोटा किसान है हमारा, उसको चिक्स चाहिए, वो हमारे पास आकर भी, हमारे पास फार्म पर विजिट करके भी चिक्स, मतलब अगर भिजवाना है तो 1000 तक का होना चाहिए क्वांटिटी होनी, और जो यहाँ से लेना चाहे ले सके, तो चाहे कम भी ले जाए, कम भी ले जाए सर, जितना उसकी कैपेबिलिटी हो, जितना वो पाल सके, बिल्कुल बिल्कुल उतना ले जा सकता है। तो उसके लिए क्या है, जैसे अगर किसी को बाहर मंगवाना है और तुम ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजोगे तो उसका क्या प्रोसीजर है, एडवांस जमा कराना होता है, किस तरीके से क्या सिस्टम रहता है? सर, पोल्ट्री की लाइन में आप कहीं से भी, कोई भी चूजा हमारा किसान फार्मर भाई जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको सबको पता है, जो काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि पोल्ट्री के अंदर कोई भी चूजा मंगवाओगे तो एडवांस में पेमेंट रहती है किसी भी चीज़ की। हाँ, क्योंकि जैसे मैं हफ्ते में उस दिन निकलने वाला है चूजा, जी जी जी, तो वो उससे पहले ही बुक कराना होता है, पहले ही बुक करवाना पड़ता है। जी 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 सर। तो वो एडवांस जमा करना होगा, फिर उसके बाद क्या होगा वो प्रोसीजर? उसके बाद बाय ट्रेन, अगर आप कोई दूर का हमारा किसान फार्मर भाई है, बाय ट्रेन जाएगा, नियर अबाउट उसके रेलवे जंक्शन होना चाहिए, वहां पर उसका माल उसको मिल सकेगा, जंक्शन पे मिल जाएगा। जी सर। तो और किसान भाइयों से देसी मुर्गी पालन या ब्लैक स्टॉलॉग के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, ब्लैक एस्ट्रोलोप जो ब्रीड है
सबसे बढ़िया इसकी जो क्वालिटी है, जो खासियत है, ये सर्दी गर्मी सब महसूस कर सकती है। मतलब कि सर्दी में आप रख लो बेशक इसको, बेशक आप इसको गर्मी में रख लो, ये बहुत आराम से रह सकती है। मतलब कहने का ये कि हिमालयाज़ के लिए भी ये बहुत बढ़िया ब्रीड है, और आप राजस्थान की तपती इसको लू में भी ले जाओगे तो वहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है जी। अगर हम बात करें इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो वो कैसी है? सर देखो, इसके अंदर जो कोई भी ब्रीड होगी आपकी, बेशक आपकी ब्लैक एस्टोलोप है, आर आई है, ग्राम प्री है, सोनाली है, कावेरी है, कोई भी ब्रीड है, डबल एफ जी है या कड़कनाथ है, जो भी बीमारी आती है वो सर्दी गर्मी के हिसाब से आती है। जैसे आपकी सर्दी चल रही है तो गर्मी लग जाएगी बर्ड को, वो इस तरीके से आती है अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे। अगर आप इस फार्मर भाई हमारे ब्लैक एस्टोलोप की या किसी भी देसी ब्रीड की केयरिंग कर रहे हैं तो इसमें बीमारी का कोई मतलब है ही नहीं। तो मतलब कोई खास बीमारी नहीं है, जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है वही होता है उसके साथ। नॉर्मल वैक्सीनेशन है, लसोटा गंबोरो नॉर्मली वैक्सीनेशन है, कोई लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है। तो मुंजाल जी, आपने जो है इस ब्लैक एस्टोलोप वर्ड के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपने एक नई नस्ल के बारे में जाना, इस नस्ल को पाल के इसे आगे बढ़ा के अपनी खेती के साथ साथ आप एक एडिशनल इनकम कर सकते हैं। जैसे हम पशुपालन कर सकते हैं, उस पशुपालन के साथ भी हम इसे रख सकते हैं और अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।